हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम था उसका अपन आगे का स्टार्ट करने वाले हैं, जो आज अपनी होगी सेकंड पार्ट। तो जो पिछली क्लास थी उसमें अपन ने कहाँ तक कंप्लीट किया था? अपन ने किया था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। कहाँ पर थे अपन? अपन थे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस पे थे अपन, ठीक है। वहां पे अपन ने देखा था ऑक्सीजन के बारे में, अपने जो ऑक्सीजन है उसके बारे में अपने देखा था। इसके अपने दो पार्ट देखे थे। सबसे पहले एक तो था O2 और एक था CO2, कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कैसे जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से किस प्रकार से बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ आता है? वो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या जाता है? हमारा ऑक्सीजन जाता है, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर जाता है ये कैसा कंपाउंड है? ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन के साथ है, फिर वहां पे बॉडी के अंदर जाने के बाद सेल्स वगैरह के पास, सेल्स के जाने के, सेल्स में जब ये पहुंचेगा ब्लड, उस समय हीमोग्लोबिन को छोड़कर सेल्स के साथ दोस्ती कर लेगा, ठीक है। और फिर उसका निर्माण किसमें होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाएगा। अपन कार्बन डाइऑक्साइड अभी देखने वाले हैं, पहले ये वर्ड डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कैसा कंपाउंड है? ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? जो हीमोग्लोबिन और जो ऑक्सीजन मिलता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। याद रखिए, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये एक कैसा कंपाउंड है? ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन? ब्लड में। तो ब्लड में इसका अमाउंट कितना होता है हीमोग्लोबिन का? तो जो हीमोग्लोबिन का अमाउंट होता है ब्लड के अंदर वो कितना होता है? 14 से 16 mg पर 100 ml, 14 से 16 mg पर 100 ml इसकी अमाउंट होती है। किसकी? हीमोग्लोबिन की अमाउंट होती है। किसमें? ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट। ये किसका अमाउंट है? ये है हीमोग्लोबिन का। ये किसका अमाउंट है? हीमोग्लोबिन का अमाउंट है जो किसमें प्रेजेंट होता है? ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो ये ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो ठीक है, ये हीमोग्लोबिन कैरी कर लिया। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, सेल्स वगैरह तक पहुंचा दिया मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था। अब देखते हैं, जो बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, ठीक है। वो मैंने आप लोगों को बताया था ना फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला, फिर उसके जो ऑक्सीजन अटैच होता था उसके साथ है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और क्या बनता है उसके साथ? उसके साथ बनता है वाटर, और उसके साथ बनता है ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी का निर्माण होता है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अब बात करते हैं ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज के अंदर जो अगला पॉइंट है वो अपन देखने वाले क्या है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ टोटल का 10% आता है, टोटल का 10% ही हीमोग्लोबिन लेकर आता है, ठीक है। जैसे ये समझो आप, ये जैसे ये लंग्स है, ठीक है, और ये क्या है? ऑर्गन है। ऑर्गन में सब आ गया, सेल्स वगैरह, सेल्स टिश्यू सब इसी के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे क्या गया? O2 गया, ऑक्सीजन ले गया हीमोग्लोबिन के साथ, ये तो समझ गए, ठीक है। अब वापिस आते समय क्या करेगा? ये जो हीमोग्लोबिन है ये बोलेगा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड तेरा वेट है ज्यादा, मैं नहीं लेके जाऊंगा तेरे को। तो बोलेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, भाई ले चल यार, क्या करूंगा मैं अकेला बैठ के यहाँ पे। तो ये बोलेगा कि तुम जितने भी हो ना मैं उसका 10% ले जाऊंगा, बाकी तुम अपने हिसाब से आओ भाई। तो ये क्या करेंगे, ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ये 10% को लेके आएगा कार्बन डाइऑक्साइड के। कितने परसेंट को? सिर्फ ओनली 100% में से कितने परसेंट को ले आएगा? 10% को। याद रहे, कितने परसेंट को? 10% को ही लेकर आएगा। वहां से कहां से? ऑर्गन से उठाकर कहां पे ले जाएगा? लंग्स में। ऑर्गन से उठाकर कहां पे ले जाएगा? लंग्स में ले जाएगा। टोटल 10% को ही लेकर आएगा। अब जब देख रहे थे तो वेट होता है वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन का वेट, ऑक्सीजन का वेट कितना होता है वो देख लेते हैं एक बार मॉलिक्यूल्स के साथ में। तो ऑक्सीजन का वेट होता है वो कितना होता है? 16 होता है एक का, दो मॉलिक्यूल है, दो है यहाँ पे, तो 16 × 32, ठीक है। इसका वेट कितना हुआ? 32 हुआ। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का,
जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका वेट कितना होता है, तो जो इसका कार्बन डाइऑक्साइड का जो वेट होता है वो कितना होता है, तो ये होता है कार्बन का होता है 12, ठीक है, और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स प्लस 32, तो ये कितना हुआ, ये हो गया 44, 10 का 12 का डिफरेंस है, ठीक है। ये वेट में ज्यादा भारी होता है, तो इसमें हमें क्या स्टेबल नहीं मिल कर पाता, ये हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टेबल नहीं कर पाता, इसी वजह से ये क्या लेकर आता है, इसके 10% को ही लेकर आता है, ये इसका रीजन है, याद रखें, समझ में आया। अब चलते हैं आगे, अब देखो ये 10% तो लेके आ गया हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या किया, ये 10% लेकर आ गया अपने, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड 10% लेके आ गया, बचा हुआ 90% क्या भाई, उसको कौन लेके आएगा, बात तो यहाँ पे टक गई, ठीक है। सबसे पहले देख लेते जो हीमोग्लोबिन, एक मिनट, हाँ ये रब कर देते हैं, जो हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं ये कैसा कंपाउंड बनाते हैं, ये अनस्टेबल कंपाउंड का निर्माण करते हैं, और इसको किस नाम से जाना जाता है, हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलते हैं इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है कार्बो मीनो, कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है, तो कार्बन जो हीमोग्लोबिन के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होती है वो जानी जाती है किसे, कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन नाम से जानी जाती है, याद रखिए एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तो रेस्ट जो 90% बच जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उसे कौन लेके आता है, तो रेस्ट ऑफ द 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्ट 90% कार्बन डाइऑक्साइड को कौन कैरी करता है, कहां से, लंग से, ठीक है। अब यहां से बात, यहां से आप लोग क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहां से स्टार्ट करते हैं कि लंग से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेकर आता है, तो यहां पे अपन समझते हैं सबसे पहले, तो हाँ, तो यहाँ पे जो ब्लड ऐसे, तो जैसे कि आप समझिए कि आप एक बस आप कहीं जा रहे हो गाड़ी लेकर, और आपकी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है, ठीक है, तो उस समय आप क्या करते हो, मैकेनिक को कॉल करते हो, और मैकेनिक आकर आपकी गाड़ी ठीक करता है, अगर वो ठीक नहीं कर पाता है तो आप क्या करते हो, लिफ्ट मांगकर आगे तक पहुंचते हो। तो वैसे ही देखते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये क्या करती है, ये लिफ्ट मांगती है, लिफ्ट किससे मांगती है, देखते हैं, सोडियम, ठीक है, सोडियम से लिफ्ट मांगती है प्लस CO2, थोड़ी बहुत CO2 क्या मांगती है, सोडियम से लिफ्ट मांगती है, थोड़ी मांगती है कैल्शियम से प्लस CO2, सोडियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और थोड़ी मांगती है मैग्नीशियम से, ठीक है, थोड़ी हेल्प किससे मांगती है भाई, मैग्नीशियम, तू भी मेरे को थोड़ा सा दूर छोड़ दे यार, ठीक है, थोड़ा मैग्नीशियम से हेल्प करता है उसकी, और थोड़ी हेल्प करता है वो कौन करता है, पोटेशियम, थोड़ी हेल्प कौन करता है, ये पोटेशियम इनकी हेल्प करता है। तो ये जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के, जो तत्व जो प्रेजेंट होते हैं, सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं हम ऑटो का काम करेंगे, तू हमें, हम तेरे को वहां तक छोड़ देंगे, कहां तक छोड़ देंगे, ये क्या, ये कहां तक छोड़ेंगे आपको, ऑर्गन से अब लंग्स तक छोड़ेंगे, याद रखे ये ऑर्गन से कहां तक छोड़ेंगे, अब लंग्स तक छोड़ेंगे किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को। अब जो ये फॉर्मेशन करेंगे वो देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद ये छोड़ने के लिए चले जाते हैं। तो जो सोडियम और जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, सोडियम और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो क्या बनाती है, देखते हैं सबसे पहले, जो सोडियम और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो ये बनाती है NaHCO3, NaHCO3 इसका निर्माण करती है। इसी के साथ में जो सोडियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है एक चीज और बनती है, तो इससे बनती है क्या है, Na2 प्लस CO3, Na2 प्लस CO3, सॉरी सॉरी Na2CO3 बनते हैं, ये दोनों बन गए। अब ठीक है, जो NaHCO3 है इसे क्या कहा जाता है, जो NaHCO3 है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट कहा जाता है, और इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है बेकिंग सोडा के नाम से भी,
इसे बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना था, याद रखें। अगर आप लोगों ने पूछ ले कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, तो जो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3, ठीक है। और जब बात करते हैं जो ये दूसरा कंपाउंड बना है, तो ये क्या है, Na2CO3, ठीक है। ये दूसरा कंपाउंड बना है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। और इसे एक नाम और से जाना जाता है, वो कहा जाता है वॉशिंग सोडा। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है वॉशिंग सोडा, याद रखें। इसे क्या कहा जाता है, Na2CO3 को किस नाम से जाना जाता है, इसे वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं जो कैल्शियम है, इसके साथ क्या मिलकर बनाते हैं, तो जो कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, इस तरह देखते हैं, तो इसे कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है CaCO3। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब जो मैग्नीशियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं MgCO3। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। और जो पोटेशियम है, कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलती है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पोटेशियम कार्बोनेट। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, याद रखें इसे। इसे क्या कहा जाता है, पोटेशियम कार्बोनेट। इसे क्या कहा जाता है, इसे पोटेशियम कार्बोनेट कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है KCO3। और अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट का पूछे तो ये होता है MgCO3, ठीक है। और जो कैल्शियम का होता है, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये CaCO3। और जो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला जो क्या होता है, वो होता है ये यहाँ पे लिखा हुआ है NaCO3, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेकर आता है, तो जो लिख देते हैं यहाँ पे, रेस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड मूव इन रेस्ट 90% कार्बन डाइऑक्साइड रेस्ट 90% कार्बन डाइऑक्साइड मूव फ्रॉम ऑर्गन टू लंग्स बाय कार्बोनेट, ठीक है। जो अगर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सब हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किस कौन कैरी करता है, तो जो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो कैरी करते हैं, वो कौन करते हैं, कार्बोनेट। देख लो, यहाँ पे भी कार्बोनेट है, यहाँ पे भी कार्बोनेट है, यहाँ पे भी कार्बोनेट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बाई कार्बोनेट है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे भी कार्बोनेट है, पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कौन करता है, ये करते हैं कार्बोनेट इन और टोटल बॉडी, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर हमारे लंग्स तक पहुंचाता है, वो कौन पहुंचाता है, वो बताते हैं कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट, ये सब कार्बोनेट ही है। सॉरी, ये बाई कार्बोनेट है, सोडियम बाई कार्बोनेट यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया, अपना कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। सबसे ज्यादा कौन लेके आता है, सबसे ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करते हैं, वो कौन करते हैं, कार्बोनेट कैरी करते हैं। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और रखते हैं एक केस, ठीक है। अब एक केस मान के चलते हैं, वो देखते हैं वो कैसा होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले
अब हीमोग्लोबिन है, एक केस रखते हैं केस, अब ठीक है हीमोग्लोबिन है ये, और एक है ऑक्सीजन, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और एक है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये इन दोनों में सबसे क्या है? वेट में हल्की है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं इन दोनों में? ये इन दोनों सबसे क्या है? वेट में ये हल्की है। देख ले एक बार कैसे, इसका वो इसका ऑक्सीजन ये ओ है, इसका कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट? ये होता है 16, और इसका कितना होता है? इसका होता है 12। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना 6 2 8 8, और ये कितना 28। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? ये होता है 28। याद रखें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? ये होता है 28, और इसका कितना होता है? तो इसका देख लीजिए 12 + 32, तो इसका कितना हुआ? 32 2 44, और ऑक्सीजन का कितना हुआ? 32। तो इन सभी में जो सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट होता है वो किसका होता है? वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये बोलता है कि जो हीमोग्लोबिन है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल जो कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कंपाउंड बनाता है, तो किसका बनाता है? वो हीमोग्लोबिन का बनाता है। तो HB+CO ये क्या है? एक स्टेबल कंपाउंड है। ये क्या है? एक स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। जो आगे चलते हैं, इसे तो कार्बन, ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमें किससे प्राप्त होती है ये भी देख लेते हैं, ये पूछ सकते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये सीक्रेट कौन करता है, रिलीज कौन करता है, ये तो देख लिखते हैं आगे आगे, ठीक है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये कौन कौन, ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये किस, ये निकलती है कार फैक्ट्री, कोयल की खाने, ठीक है, कोयल की खाने और ट्रेन के धुएं में से, ट्रेन के स्मोक से और स्मोकिंग में से, ठीक है। कार बस ट्रेन जो भी गाड़ी मोटर धुआं वगैरह सीक्रेट करती है, रिलीज करती है, उनमें से ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये क्या, ये सबसे ज्यादा किसके साथ स्टेबल रहती है? हीमोग्लोबिन के साथ। तो ये किसके साथ स्टेबल रहती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। तो ये क्या है? ये स्टेबल कंपाउंड है, मैंने बता दिया, ठीक है। अब जो ये बनता है कार्बन, हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलकर किस चीज का निर्माण करते हैं? ये जो निर्माण करते हैं वो करते हैं किस चीज का है? कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन का। किसका निर्माण करते हैं ये जो निर्माण करते हैं वो किसका है? कार्बन, सॉरी कार्बोऑक्सी, किसका निर्माण करते हैं? करते हैं कार्बोऑक्सी का, कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन। याद रखें हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है? एक स्टेबल कंपाउंड है, ये दोनों एक दूसरे को प्रिय करते हैं। तो हीमोग्लोबिन है ये किसे पसंद करता है? ये पसंद करता है किसे? कार्बन मोनोऑक्साइड को। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हीमोग्लोबिन है वो सबसे ज्यादा किसे पसंद करता है? हीमोग्लोबिन एक कार्बन मोनोऑक्साइड को पसंद करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसका वेट जो है वो सबसे कम होता है किसके कंपेयर में? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के कंपेयर में इसका वेट कम होता है, इसीलिए इसे पसंद करता है, ये इसे ज्यादा प्यार करता है, ठीक है। जो जब एक चीज और जानने बाद में थोड़ा आगे चलते हैं, जो जब जिस समय कार्बन हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड मिलना स्टार्ट हो जाएगा, उस समय जो ऑक्सीजन की अब्सॉर्बेशन पावर होगी, जो हीमोग्लोबिन की जो पावर होती है, किसकी पावर होती है, किस चीज की? ऑक्सीजन को अटैच करने की, वो क्या होगी? कम होने लग जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन को क्या करेगी? वो ऑक्सीजन को कम पसंद करने लगेगा। जब वो कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा पसंद करता है तो फिर वो ऑक्सीजन को क्यों अटैच करेगा अपने साथ? हीमोग्लोबिन। तो उससे जो बीमारी होती है वो होती है अस्थमा, सांस लेने प्रॉब्लम, ये डिजीज स्टार्ट होने लग जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अपना हो गया, अब जरा केस देखते हैं, वो जो अपन मैं बता रहा था आप लोगों को। अगर यहाँ पे समझते हैं, अपने पास क्या 14 हीमोग्लोबिन है, हमारे सपोज कीजिए 14 हीमोग्लोबिन अपने पास, ठीक है। और अपने पास क्या है? 10 तो है कार्बन मोनोऑक्साइड और 10 है ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये भी 14 मॉलिक्यूल्स मान लीजिए इनके साथ अटैच होने के लिए। तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ये अपने साथ क्या करेगा? सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो ये सबसे पहले क्या करेगा? 10 हीमोग्लोबिन
प्लस 10 कार्बन मोनोऑक्साइड। इनको क्या करेगा, इनको लंग से उठाकर कहाँ ले जाएगा, इनको ऑर्गन तक ले जाएगा, ठीक है। सबसे पहले प्रायोरिटी इनको देगा, फिर जो बची लास्ट में, कह रही क्या बची लास्ट में, लास्ट में बचे सिक्स, लास्ट में बचे चार हीमोग्लोबिन, इसके क्या होंगे चार ऑक्सीजन अटैच होंगे, इसके क्या होंगे चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे, ठीक है। ये भी ऑर्गन तक चले गए, लंग के ऑर्गन, पीछे कितने रह गए, छह रह गए, सिक्स ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रह गए। हर बार ही क्या करेगा, सेम कंडीशन हर बार करता रहेगा, और इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि इससे जो ऑक्सीजन की हमारे शरीर में क्या होने लगी, कमी होने लगेगी, और इससे हमें क्या होगी, थकान, इससे क्या होगी हमें थकान, और उससे थकान होने से क्या होगा, नींद नहीं है, नींद ज्यादा आएगी, नींद ज्यादा आएगी, आलस्य होगा, आलस्य होगा, अब हम सेम कंडीशन डेली अगर होती रहेगी तो हमें थोड़े देर समय बाद क्या होगा, ऑक्सीजन का जो ऑब्जर्वेशन होगी हीमोग्लोबिन की एकदम से थोड़ी कम हो जाएगी, और हमें जो प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाती है, वो जो प्रॉब्लम है वो मैंने आप लोगों को बताई, वो कौन सी है, वो है अस्थमा वगैरह प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब देखते हैं, जो जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में हीमोग्लोबिन ज्यादा मात्रा में बढ़ती है तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है वो देखते हैं अभी। मैं अस्थमा के अस्थमा सांस लेने प्रॉब्लम वगैरह, अस्थमा वगैरह तो ये नॉर्मल थी, अब जरा थोड़ा हटके जो क्वेश्चन बोलते हैं वो देखते हैं। जो हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ गई, ठीक है, हमारे शरीर में बढ़ गई, तो ये क्या करेंगे, ये डब्ल्यूबीसी का निर्माण करने लग जाएंगे। डब्ल्यूबीसी का क्या होगा, निर्माण क्या होगा, ज्यादा होगा। इसे क्या कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी का केमिकल नेम क्या है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, ल्यूकोसाइट का नाम याद रखें। डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है, ये है ल्यूकोसाइट, ठीक है। जब डब्ल्यूबीसी का निर्माण ज्यादा होगा, आरबीसी का निर्माण कम होगा, तो इससे क्या होगा हमारी बॉडी में, इससे हमारी बॉडी में ब्लड ज्यादा निर्माण होने की वजह से जो ब्लड का सर्कुलेशन वो धीरे हो जाएगा, और इससे जो प्रॉब्लम होगी वो क्या होगी, ब्लड कैंसर। इससे क्या होगा, इससे हमारी बॉडी में क्या होगा, ब्लड कैंसर होगा, और ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है, इसे ब्लड कैंसर को ही कहा जाता है ल्यूकेमिया। तो याद रखें, कार्बन हीमोग्लोबिन का कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो मात्रा में बढ़ जाती है उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि ल्यूकोसाइट की मात्रा बढ़ जाती है, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स की, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स की मात्रा बढ़ जाती है, उससे हमें ब्लड कैंसर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है, ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर को कहा जाता है। अब चलते हैं आगे, इसका ट्रीटमेंट क्या है ब्लड कैंसर का, जो ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट है वो क्या है, वो एर्गोन गैस। तो ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट क्या है, एर्गोन गैस, ठीक है। ये कब प्राप्त होती है हमें, ये भूकंप के दौरान प्राप्त होती है, अर्थक्वेक, ठीक है। ये एर्गोन गैस कब रिलीज होती है, तो वोल्केनो रिलीज होते हैं या फिर भूकंप वगैरह आते हैं, तो उस समय ये एर्गोन गैस हमारे धरती के नीचे से सिक्रेट होती है, ठीक है। और जो कैंसर की जो स्टडी है, स्टडी ऑफ कैंसर इसे क्या कहा जाता है, जो स्टडी ऑफ कैंसर वो क्या होती है, वो उसे क्या कहलाते हैं, उसे कहलाते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी की स्टडी ऑफ कैंसर कहलाता है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। ये अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसके साथ अपने केन भी, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी अपने साथ में डिस्कस किया, क्योंकि ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किसकी ज्यादा पसंद जाती है, ये हीमोग्लोबिन इसे बहुत पसंद करता है, तो इसके बारे में अपन को पढ़ना जरूरी था। एक चीज और देख लेते हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड से पूछ जाते हैं वो छोटा सा बीच में, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब हाइड्रोजन गैस अटैच होती है, ठीक है, तो क्या बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब हाइड्रोजन गैस अटैच होती है तो वो क्या बनाती है, ये बनाती है वाटर गैस। ये क्या बनाते हैं, वाटर गैस, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन अटैच होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब हाइड्रोजन अटैच होते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, वो बनाते हैं वाटर गैस। एक चीज और याद रखिए, जब कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन के साथ अटैच होते थे, प्योर फॉर्म है नाइट्रोजन, याद रखिए, कैसी फॉर्म है, प्योर फॉर्म, नाइट्रोजन गैस अटैच होती है तो वो क्या बनाती है, तो वो बनाती है प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस, याद रखें, आगे चलते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, जो अपना गैस, ये जो टॉपिक था रेस्पिरेशन ऑफ गैसेस, ये अपना कंप्लीट हो गया। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आप, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी, सर्कुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, सॉरी सेलुलर, सेलुलर
रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की, ठीक है। यानी कि जो सेल के सेल में ये प्रोसेस होती है, सबसे पहले जानिए कहाँ प्रोसेस होती है, सेल में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये दो प्रकार में होती है। कितने प्रकार में पढ़ेंगे अपन? ये अपन पढ़ेंगे दो टाइप में। सबसे पहले जो अपन पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है? एनएरोबिक। एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरा पढ़ने वाले वो कौन सा है? एरोबिक रेस्पिरेशन। जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है। इसमें क्या होती है? लेस ऑक्सीजन होता है। इसमें देखिए लेस, इसमें क्या होता है? लेस ऑक्सीजन होता है या फिर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें पर ये देखने वाले, इसमें पर इसमें भी दो कंडीशन देखेंगे। एक कंडीशन तो वो देखेंगे कि जिसमें गैस, जिसमें जो ऑक्सीजन है वो एकदम से ना के बराबर हो, और एक और जिसमें गैस थोड़ी सी मामूली भर हो, ठीक है। वो दोनों कंडीशन हम देखेंगे। और इसमें देख जो पढ़ने वाले वो कौन सा है, वो पर जो पीछे से पढ़ते आ रहे सेम टू सेम वही है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा हो, ठीक है। यहाँ पे परफेक्ट ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। यहाँ पे क्या, यहाँ परफेक्ट ऑक्सीजन प्रेजेंट जितना चाहिए उतना हमें मिल रहा है। ये किसे पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो स्टार्ट करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की पहली, किसमें? पहले केस में। अगर पहले कैसे करते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? एकदम से लेस है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले क्या करते हैं? इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या अब्सेंस है? ये हमारे ह्यूमन बॉडी में हो रहा है प्रोसेस, याद रखें ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है। उसी समय भी एनर्जी किस फॉर्म में टूटेगी? ग्लूकोज से क्या बनेगी? एनर्जी का निर्माण होगा। तो यहाँ देखते हैं जो ग्लूकोज है C6H12O6, इसके साथ ये बनेगा किस फॉर्म में? यहाँ पे ऑक्सीजन तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। तो ये क्या बनाएगा, ये देखते हैं। तो ये बनाएगा दो मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल, टू C2H3OH, H3OH, ठीक है। टू C2H3OH और ये प्लस CO2, प्लस टू CO2, प्लस और भी प्लस है, और उसके बाद क्या बनेगा? 56 KCl कैलोरीज बनेगी, ठीक है, किलो कैलोरीज बनेगी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे किस किस चीज का निर्माण होगा। जो ये है C2H3OH, इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इथेन अल्कोहल, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इथेन अल्कोहल, इथेन अल्कोहल। जो अपन पीते हैं, जो मतलब दारू के अंदर जो अल्कोहल पाई जाती है वो कौन सी है? वो इथेन अल्कोहल ही पाई जाती है। याद रखिए, पूछ सकते हैं जो इथेन अल्कोहल, जो दारू होती है उसमें कौन सी अल्कोहल पाई जाती है? उसमें इथेन अल्कोहल पाई जाती है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H3OH उसका फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे जो क्या बना है, यहाँ पे बना है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या बना है? यहाँ पे बना है कार्बन डाइऑक्साइड। दो ध्यान रखिए, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल बने हैं? दो मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल बने हैं? दो मॉलिक्यूल, किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के, और दो मॉलिक्यूल इथेन अल्कोहल के यहाँ पे बने हैं, ठीक है। जो ये प्रोसेस है, तो जितनी भी ये प्रोसेस है, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन के अब्सेंस की, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के जो प्रोसेस कंप्लीट हुई है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या? फर्मेंटेशन। ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? प्रोसेस क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन कहलाती है, ठीक है। ये ऊपर रख कर देता हूँ, भाई जगह नहीं है। तो अब जानते हैं फर्मेंटेशन क्या होती है, ठीक है। अब देखते जो फर्मेंटेशन है, इसके बारे में जान लेते हैं कि फर्मेंटेशन क्या होती है, ठीक है। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है? जब ग्लूकोज
ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, द ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है और हमें दो मॉलिक्यूल इथेन अल्कोहल और दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, ठीक है। दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और दो मॉलिक्यूल इथेन अल्कोहल के प्राप्त होते हैं और तथा उसी के साथ में होते हैं और उसी के साथ में 56 KCl एनर्जी प्राप्त होती है। वो क्या कहलाती है? वो प्रोसेस क्या कहलाती है? वो प्रोसेस कहलाती है फर्मेंटेशन। जो फर्मेंटेशन है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? जो फर्मेंटेशन की खोज की गई थी, वो इसकी खोज करता कौन थे फर्मेंटेशन प्रोसेस के? इसकी खोज करते थे लुईस पाश्चर, ठीक है। इन्होंने खोज की थी। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, फर्मेंटेशन की खोज किसने की थी? तो जो फर्मेंटेशन की खोज की गई थी, ये की गई थी किसके द्वारा? लुईस पाश्चर के द्वारा। और इसके दो तीन एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, फर्मेंटेशन के दो तीन एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मिल्क से क्या बनना? मिल्क से कर्ड बनना, मिल्क दूध से दही बनना, ठीक है। अल्कोहल का निर्माण करना, अल्कोहल का निर्माण करना, वो जो फ्रूट वगैरह होते हैं उनको इकट्ठा करके उनको दबाकर रखने के बाद वो जो प्रोसेस कहलाती है वो फर्मेंटेशन कहलाती है, ठीक है। उससे क्या होता है? दारू अल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला जो एग्जांपल है वो किसका है? ब्रेड का निर्माण, ठीक है। ब्रेड का निर्माण, ब्रेड का निर्माण क्या होती है? फर्मेंटेशन प्रोसेस ही होती है। अब चलते हैं आगे। अब जरा एक चीज बताइए, जो जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन की, इसमें इन्होंने बताया कि इसमें सबसे मुख्य रोल किसका होता है? बैक्टीरिया का। फर्मेंटेशन में इंपॉर्टेंट रोल किसका प्ले करता है? फर्मेंटेशन में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन करता है? वो करते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया इसमें मुख्य रोल प्ले करते हैं। और दूध में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? उसमें पाया जाता है लैक्टोबैसिलस। याद रखिए, इसमें दूध में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है किसमें? दूध में पाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अपना पहला जो था वो कंप्लीट हो गया केस। अब देखते हैं दूसरा केस, जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी बहुत प्रेजेंस हो तो वहां पे क्या होता है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में अपने दूसरी कंडीशन क्या है? केस टू। जो केस दूसरा है उसमें क्या है? यहाँ पे लेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, O2 लेस प्रेजेंस, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे क्या है? कम है, पर है, पर थोड़ी कम है, ठीक है। उतनी नहीं है जितनी हमें चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या होगा? सेम कंडीशन होगी, यहाँ पे भी ग्लूकोज का ही ब्रेकडाउन होगा। तो C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 ये टूटेगा, ठीक है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। अब ये क्या कर रहा है? यहाँ पे क्या है? तो इसका क्या होगा? अब यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन होगा। थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है तो यहाँ पे रख लेते हैं अभी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन, बस, ठीक है। अब इसका ब्रेकडाउन रखते हैं। तो जो ब्रेकडाउन करने वाला जो कमेंट प्राप्त होगा वो क्या होगा? टू सी एच थ्री। आगे क्या है? CHOOH, ये हमें प्राप्त होगा। उसी के साथ में क्या मिलेगा हमें? इसी के साथ में मिलेगा 4 ATP, ठीक है। हमें क्या प्राप्त होगा? CH3COOH plus 4 ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब जो देखते हैं, जो ये है, ये किसका फॉर्मूला है?
ये किसका केमिकल रिएक्शन है, किस किसी की रिएक्शन है, ये जो फॉर्मूला किसका है, ये है फ्लोरीन फ्लोरीन प्यूरिविक एसिड की, पी पायरुविक एसिड, ये किसका फॉर्मूला है, ये है पायरुविक एसिड का फॉर्मूला है। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है इसके पायरुविक एसिड के, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं पी ए, थोड़ा नाम डिफिकल्ट है इसलिए पी ए लिख रहा हूँ, ठीक है। पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं पायरुविक एसिड के, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हैं। और एटीपी कितने हैं यहाँ पे, जो एटीपी है ये कितने हैं, ये क्या है, ये चार एटीपी हैं, ठीक है। जो पायरुविक एसिड है ये हमारी बॉडी में थोड़े दिनों बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारी बॉडी में किसमें कन्वर्ट होता है, ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये थोड़े दिनों बाद किसमें कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में, याद रखें। थोड़े समय के बाद या फिर दो तीन चार घंटों के बाद, नॉर्मली तीन चार आवर बाद, ठीक है, तीन चार घंटे बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब जरा समझे, मैं समझाता हूँ। जो जैसे कि आप लोग रनिंग करके आए, ठीक है, रनिंग करके आए, क्रिकेट वगैरह खेल कर आए, कुछ भी फुटबॉल वगैरह खेल कर आए, बहुत दिनों के बाद आप सोए रहे थे, लॉकडाउन जैसे गुलाब खेलने चले गए, मान लीजिए आप लॉकडाउन गुजारा खेलने चले गए, खेलने के दौरान आपकी मांसपेशियों में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा उस समय ये वाला ही प्रोसेस होगा, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन आपके ऑक्सीजन जो है वो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। रनिंग करते हैं तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा है वो हमारे शरीर में क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है, हमें कम ऑक्सीजन प्राप्त होता है। उस समय हमारी बॉडी में क्या बनते हैं, पायरुविक एसिड यानी कि पी ए बनता है हमारी बॉडी में, जो कुछ समय बाद क्या होता है, रुक जाता है, अपन घर आते हैं तो हमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा मिलता रहता है। उस समय जो पायरुविक एसिड है ये किसमें कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में। अपन सोकर उठेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होकर मिलता है। अब समझे ध्यान से, जो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद क्या क्या होता है, थकान, जोड़ों में दर्द, ठीक है, थकान, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, ऐसी चीजें, जॉइंट पेन, ऐसी चीजें यहाँ पे होने लग जाती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, समझ में आया ये क्या बताने जा रहा था मैं, कि जो ये पायरुविक एसिड है ये हमें रनिंग करने के दौरान, स्विमिंग करने के दौरान, क्रिकेट खेलने के दौरान, फुटबॉल खेलने के दौरान सीक्रेट होता है, ये बनता है हमारी बॉडी में, क्योंकि उस समय हमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत प्रचुर मात्रा में चाहिए और वो हमें कम मात्रा में प्राप्त होती है। उस समय ये पायरुविक एसिड बनता है, जो कुछ समय के बाद लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारे दर्द वगैरह होते हैं, पेन वगैरह होते हैं, वो इसी भी लैक्टिक एसिड के वजह से होते हैं, जो किसकी वजह से बनता है, पायरुविक एसिड की वजह से बनता है। जो ये पायरुविक एसिड क्यों बना, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की मात्रा पूरी नहीं मिलती हमारी बॉडी को। अब देखते हैं जो पूरी प्रोसेस है, ये जो पूरी प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, जो पूरी प्रोसेस हुई यहाँ से ग्लूकोज से किस प्रकार से ऑक्सीजन कम हुआ तो हमें क्या क्या टूटा, क्या कैसे बना, ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, ये क्या जो कहलाती है, कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। ये क्या कहलाती है, कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कहलाती है, ठीक है। जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है, ठीक है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, ये रब कर देता हूं ऊपर से और सकते हैं अपना ग्लाइकोलाइसिस से, जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो जो इसकी खोज की गई थी वो किस किसके द्वारा की गई थी, एम्बेंडन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये तीन खोजकर्ता थे, उनके नाम हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जो इसकी खोज की गई थी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल की, ये तीन साइंटिस्टों के द्वारा की गई थी, तो उनके नाम क्या कहे, एक तो है एम्बेंडन और दूसरा है वो क्या है, मेयर हॉल्फ, उनका नाम क्या है, मेयर हॉल्फ, और जो तीसरे हैं उनका नाम क्या है, पर्सन पर्सन, ठीक है। अब इन तीनों का आगे आगे का एक अक्षर उठा लेते हैं, इसका उठा लिया ई, इसका उठा लिया एम और इसका उठा लिया पी, ठीक है। इनका क्या बना, सभी का उठा लिया ई एम पी, इसे क्या कहा जाता है, ई एम पी
साइकिल भी कहा जाता है। आप लोगों से ऐसा ही पूछ सकता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है उसमें उसे ईएमपी भी कहा जाता है, तो जो ई है वो किस नाम से, वो ई का है वो क्या मतलब है, तो ई है उसे एम्बेंडन कहा जाता है, और जो एम है उसे मयूर हॉल्फ कहा जाता है, और जो पी है उसे पार्सन कहा जाता है। ये तीनों किसके नाम है, ये साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने किसकी खोज की थी, जिन्होंने ग्लाइकोलाइसिस साइकिल की खोज की थी या फिर ईएमपी साइकिल की खोज की थी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें घटक है। इस प्रोसेस के अंदर जो है, इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज जो है उसका एक मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटकर, ग्लूकोज का कितना मॉलिक्यूल टूटता है यहाँ पे वन मॉलिक्यूल टूटकर इस प्रोसेस में होता क्या है, इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज जो है उसका एक मॉलिक्यूल टूटकर किसमें कन्वर्ट होता है, दो पाइरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज है उसका एक मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होता है, टूटकर ब्रेकडाउन पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तथा उसी के साथ में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फोर एटीपी में। उसी के साथ में जो ग्लूकोज है उसका जो किसमें कन्वर्ट होता है, चार एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कितने में कन्वर्ट हो जाता है, चार एटीपी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। दोबारा समझे एक बार, यहाँ पे देखिए ये ग्लूकोज है, ये कितने कन्वर्ट हुआ, दो तो बन गए इसके पीए प्यूरिक एसिड, और इसके चार बन गए एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, चार बन गए एटीपी और इसके क्या बन गए, दो पाइरुविक एसिड इसके बन गए। अब जरा आगे चलते हैं, जो एक प्रोसेस है इसके अंदर जो दो एटीपी है इसमें जो दो एटीपी है इस प्रोसेस के अंदर, दो एटीपी क्या करते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए इसी में लग जाते हैं। तो यहाँ पे हमें जो लास्ट में रिजल्ट क्या मिलता है ग्लाइकोलाइसिस का, लास्ट रिजल्ट जो मिलता है वो क्या मिलता है ग्लाइकोलाइसिस का, उसमें मिलता क्या है, दो पाइरुविक एसिड प्लस दो एटीपी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे चार एटीपी थे, पर यहाँ पे क्या हुआ, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए दो एटीपी अपना काम में लग गए, भाई हमें तो एनर्जी है कहीं पे भी लगा लो हम तो काम कर लेंगे, तो दो एनर्जी यहीं पे वेस्ट हो गई या फिर यूज हो गई या फिर कंजप्ट हो गई। और जो हमें लास्ट का प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, ग्लाइकोलाइसिस का जो लास्ट रिजल्ट मिलता है वो क्या है, दो पाइरुविक एसिड और प्लस दो एटीपी हमें प्राप्त होते हैं, ये हमें आगे काम आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे, एक ग्लूकोज मान लो यहाँ पे, ठीक है, इससे बनके टूट के बने होते हैं। अब चलते हैं आगे, जो ये जो प्रोसेस होती है, जो ये प्रोसेस है कौन सी, ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है ये कहाँ पे होती है, तो ये होती कहाँ पे है, ये भी तो पूछ सकता है आप लोगों से। तो ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है, तो देखते हैं ये जो प्रोसेस कहाँ पे कंप्लीट होती है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, आप लोगों से पूछ सकता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है, ये कहाँ पे कंप्लीट होती है, ये कंप्लीट होती है साइटोप्लाज्म में, तो जानते हैं साइटोप्लाज्म में, तो जानते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्मा, तो साइटोप्लाज्मा किसमें प्रेजेंट होता है, वो सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसमें प्रेजेंट होता है, सेल में। ठीक है, ये जो आउटर लेयर है ये क्या है, सेल का डायग्राम है। ठीक है, जो आउटर लेयर क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, और जो अंदर प्रेजेंट होता है ये क्या होता है, न्यूक्लियस। और जो इसके बाहर की जो आउटर लेयर होती है न्यूक्लियस की, इसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन।
क्या कहा जाता है, इसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहा जाता है। और जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस की खोज की थी। याद रखे, पूछ सकते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, तो न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए, सेल मेम्ब्रेन और यहाँ पे एक फ्लूइड, यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड होता है न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर एक फ्लूइड पाया जाता है। तो देखते हैं फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड जो एक फ्लूइड होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फ्लूइड को प्रोटोप्लाज्म। ये जो फ्लूइड होता है, कैसा होता है? कलरलेस या और चिपचिपा। याद रखे, दोनों चीज पूछ सकते हैं। जो सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, वो कैसे कलर का होता है? वो कलरलेस होता है। उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी टेंडेंसी क्या होती है? वो चिपचिपा होता है, वो चिपक जाता है। ठीक है, ये इसकी टेंडेंसी होती है। अब जो इसे इसमें जो फ्लूइड है, इसे क्या कहा जाता है? इसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म जो है, वो दो चीजों से मिलकर बनता है। जो प्रोटोप्लाज्म है, ये जो है प्रोटोप्लाज्म, ये दो चीजों से मिलकर बनता है। ध्यान रखें, ये भी प्रोटोप्लाज्म है और ये भी प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, अंदर और बाहर सेल के, न्यूक्लियर सेल के मेम्ब्रेन के अंदर भी और न्यूक्लियर सेल के बाहर भी, ये क्या है, ये दोनों जगह क्या प्रेजेंट है? ये है प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म है, ये दो चीजों से मिलकर बना है। पूछ सकते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म है, ये किन किन चीजों से मिलकर बना है? तो ये दो चीजों से मिलकर बना है। तो पहली चीज है वो कौन सी है? वो है न्यूक्लियर प्लाज्मा। न्यूक्लियर प्लाज्मा कौन सा है? ये न्यूक्लियर प्लाज्मा है। ठीक है, न्यूक्लियर प्लाज्मा। ठीक है, और दूसरा है वो कौन सा है? वो है साइटोप्लाज्मा। समझे? तो साइटोप्लाज्मा वो कहाँ क्या होता है? वो ये आउटर लेयर में प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में जो चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है, वो क्या होता है? वो होता है साइटोप्लाज्मा। ठीक है, साइटोप्लाज्मा के अंदर ही एक यहाँ पे ग्लैंड पाई जाती है। ग्लैंड होती है, उसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में किसका ब्रेकडाउन होता है? ग्लूकोज वगैरह का ब्रेकडाउन किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, या फिर पावर करेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखें। तो यहाँ पे ग्लैंड पाई जाती है, वो अपन अगले चैप्टर में देखेंगे, अभी छोड़ देते हैं इसे। ये सिर्फ याद रख लें, सेल के अंदर छोटी सी ग्लैंड पाई जाती है, जिस ग्लैंड को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। समझ रहे हैं साइटोप्लाज्मा कहाँ होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? ठीक है, इसका फंक्शन, इसमें प्रोसेस कौन सी होती है, अब देखते हैं आगे। एनारोबिक अपना कंप्लीट हो गया, अब देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब इसमें तो सिंपल सा, छोटा सा ही है, थोड़ा हार्ड भी नहीं है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें सेम, इसमें क्या ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर है, तो हमें बड़े तरीके से अच्छे अमाउंट में क्या ऑक्सीजन मिल रहा है। तो इसमें क्या हुआ? C6H12O6+6O2, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिले। तो इसमें क्या बनेगा? तो इसमें बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP। तो 6CO2+6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे, और 6 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे? वाटर के बनेंगे। उसी के साथ में हमें ATP प्राप्त होगी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एनर्जी हमें प्राप्त होगी। ठीक है, जो ये साइकिल है, ये मैं आप लोग 5-6 बार बता सकता हूँ आपके अंदर। जो साइकिल है, ये ग्लूकोज साइकिल है। ठीक है, ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन मिला, ब्रेक डाउन हुआ, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बने और 6 वाटर के मॉलिक्यूल बने, उसी के साथ में ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी बनी। ठीक है, जो साइकिल है, ये दो प्रोसेस है, ये दो साइकिल पे कंप्लीट होती है, दो साइकिल स्टेप में कंप्लीट होती है।
जो प्रोसेस है ये कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, ये दो स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कौन से स्टेप है, तो दो स्टेप उनको देख लेते हैं। जो पहले स्टेप है वो कौन सी है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, GYCLE, तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है, उसको हमें रिजल्ट क्या मिला था, तो हमें जो रिजल्ट मिला था मिलता ग्लूकोज से क्या बन रहा था, दो पाइरुविक एसिड प्लस दो एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हमें रिजल्ट मिला था। एक ग्लूकोज से दो पाइरुविक एसिड और दो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमें प्राप्त हो रहे थे। तो ये तो था पहला स्टेप जो अभी देखेंगे। तो दूसरा स्टेप वो कौन सा था, वो था क्रैब्स साइकिल, क्रैब्स साइकिल। ठीक है, कौन सी और क्या था, ये क्रैब्स साइकिल था। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसकी खोज किसने की थी, इसकी जो खोज करता थे वो कौन थे, क्रैब्स के खोज करता थे, इन्होंने इसका नाम रखा क्रैब्स साइकिल, इसी के नैने के नाम पे इसका नाम पड़ा क्रैब्स साइकिल। अब देखते हैं आगे, जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस थी अपन ने पता था, यहाँ तक अपनी पहली प्रोसेस कंप्लीट हुई। मैंने अपने पिछली बार थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था किस प्रकार से ये बनता है एनालॉग, ये साइटोप्लाज्मा के अंदर इसकी प्रोसेस कंप्लीट होती है सेल के अंदर जाकर, यहाँ तक ये बना अपना। अब इससे आगे अपन जो प्रोसेस सेकेंड होती है वो होती है क्रैब्स साइकिल, अपन को समझना क्या क्रैब्स साइकिल हमें समझनी है। ठीक है, तो जब देखते हैं क्रैब्स साइकिल, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी खोज की गई थी वो हेनरी क्रैब के द्वारा की गई थी। इसकी खोज किसने, क्रैब साइकिल की खोज किसने की थी, तो वो की गई थी किसके द्वारा, हेनरी क्रैब के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो पाइरुविक एसिड है, ठीक है, इसमें जो पाइरुविक एसिड है इस क्रैब साइकिल में होता क्या है, जो पाइरुविक एसिड है इसका एक मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर टूट कर कितनी एनर्जी बनाता है, 18 ATP एनर्जी का निर्माण करता है। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल है अपने पास, दो मॉलिक्यूल है, तो 2 ATP, दो PA कितना करेंगे 18 × 2, तो कितना हुआ 36। ठीक है, 36 अपने बन गए। इसी हिसाब से अपने पास क्या थी, दो हमारे पास क्या थे, दो ATP थे ऑलरेडी, दो हमें ऑलरेडी प्रेजेंट थे, तो हमें कितना मिले 38 ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो हमें टोटल लास्ट में एनर्जी क्रैब्स साइकिल से कितनी एनर्जी मिलती है, क्रैब्स साइकिल से हमें टोटल एनर्जी कितनी प्राप्त हुई हमें, 38 ATP, 38 ATP हमें प्राप्त होती है एट द एंड। ठीक है, ये जो प्रोसेस है क्रैब्स साइकिल ये क्या कराती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जो प्रोसेस होती है क्रैब्स साइकिल ये कहाँ पे होती है, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, याद रखें जो क्रैब साइकिल जो प्रोसेस होती है, जो क्रैब्स साइकिल होती है कहाँ पे कंप्लीट होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। और मैंने आपको बताया कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सेल की एक ग्लैंड है। ठीक है, मैंने आपको बताया डायग्राम के अंदर, यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर, यहाँ पे साइटोप्लाज्मा में एक ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था डायग्राम के अंदर, ये वही माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, यहाँ पे इसकी इस प्रोसेस के अंदर क्रैब्स साइकिल क्या होती है, कंप्लीट होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यहाँ पे एनर्जी का निर्माण होता है, 38 ATP का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब जान लेते हैं आगे, ये अपना चैप्टर है सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये अपना कंप्लीट हो गया। और अपन देख लेते हैं कौन कौन सा एनिमल कहाँ कहाँ सांस लेता है। ठीक है, तो इस तरह लिखते हैं एनिमल और उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एनिमल और रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, इस साइड अपने एनिमल के नाम लिखेंगे, उस साइड उनके रेस्पिरेशन जो सांस लेने वाले ऑर्गन है उनके नाम लिखेंगे। तो सबसे पहला अपना नाम है वो है फिश, ये पूछ जाते हैं एग्जाम में तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। फिश, जो फिश है वो कहाँ सांस लेती है, वो लेती है गिल्स से, गिल्स। ठीक है, मछली कहाँ सांस लेती है, वो गिल्स से सांस लेती है। दूसरा है फ्रॉग,
जो फ्रॉग है वो कहाँ सांस लेते हैं? वो लंग्स से और स्किन से सांस लेते हैं, लंग्स और स्किन। आप लोग अगर मैं पूछ सकते हैं कि जब वो पानी में होते हैं तब कहाँ सांस लेते हैं, और जब वो बाहर होते तो जब पानी में होंगे इन वाटर तो ये लंग स्किन से सांस लेंगे, और अगर वो बाहर होंगे लैंड पे होंगे तो वो कितने सांस लेंगे? वो लंग से सांस लेंगे, एल से लैंड, एस से वाटर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। लिट यानी कि जो जुए नहीं होते बट सर में पाई जाती हैं, जुए छोटे छोटे जुए होती हैं, उनका जो सांस लेने का है वो कहाँ से सांस लेते हैं? तो जो है वो कहाँ सांस लेते हैं? वो स्किन से सांस लेते हैं। कहाँ से? स्किन से। याद रखें, पूछा जा सकता है, स्किन से सांस लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अगला जो एनिमल है वो कौन सा है? वो है इंसेक्ट। जो कीड़े मकोड़े हैं वो कहाँ से सांस लेते हैं? जो कीड़े मकोड़े हैं वो कहाँ सांस लेते हैं? ट्रेकिया, ट्रेकिया या फिर विंड पाइप। ट्रेकिया सांस लेते हैं या फिर विंड पाइप से वह सांस लेते हैं। ठीक है, अब आगे अगला जो एनिमल है वो देखते हैं। तो अगला एनिमल उनका नाम वो कौन सा है? वो है एवीज। ये तो इस पांचों जो है वो रेप्टाइल। रेप्टाइल्स कौन से होते हैं? तो रैंकर चलते हैं। कौन से? तो रैंकर चलते हैं, उनको क्या कहा जाता है? रेप्टाइल्स कहा जाता है। इसमें कौन आते हैं? स्नैक वगैरह उसमें आते हैं। ठीक है, तो वो किसे सांस लेते हैं? वो भी ट्रैकिया या फिर विंड पाइप से सांस लेते हैं। ट्रैकिया को ही विंड पाइप कहा जाता है, याद रखिए बात। ट्रैकिया भी कहा जाता है, विंड पाइप कहा जाता है। अगला नाम देखते हैं। अगला नाम क्या है? वो है एविज। ठीक है, एव्स, AVES। एव्स क्या होते हैं? जो पक्षी वगैरह होते हैं, उड़ने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनको कहा जाता है एव्स। वो जो एब्स होते हैं वो किससे सांस लेते हैं? वो किससे सांस लेते हैं? वो लंग्स से सांस लेते हैं, लंग्स। याद रखें, एब्स किससे सांस लेते हैं? वो लंग्स से सांस लेते हैं। अगला देखते हैं। अगला जो है वो किसके बारे में? मैमल्स। मैमल्स है वो किससे सांस लेते हैं? वो भी लंग्स से सांस लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट, अर्थवर्म। अर्थवर्म किससे सांस लेते हैं? ये भी किससे सांस लेते हैं? लंग्स से सांस लेते हैं। ठीक है, जो अर्थवर्म जो है उसका जो उसको तो इकट्ठा करके उनकी तो खेती बाड़ी की जाती है अर्थवर्म की, उसे क्या कहा जाता है? उसे वॉर्मी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? उसे वॉर्मी कल्चर कहा जाता है। और जो किसान का दोस्त है, जो मित्र है, वो कौन आता है? वो भी केचुआ या फिर अर्थवर्म ही है जो किसान का मित्र कहा जाता है। तो आज का अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो यही कंप्लीट होता है। अगली क्लास में अपन क्वेश्चन आंसर ट्राई करेंगे एमसीक्यू, और उनका डिटेल में डिस्कस करने की मैं कोशिश करूंगा, आप लोगों को पूरा पूरा बताने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को साइंस की क्लास की PDF चाहिए तो मेरे को कमेंट करें, मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू।